हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यू के दर्शन में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में चल रही अग्निवीर भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको इससे जुड़ी बाकी अपडेट भी मिलती रहें। तो दोस्तों, जो आप अभी मेरे सामने वीडियो देख रहे हैं, ये है बरेली की भर्ती का, जो आजकल अग्निवीर की भर्ती चल रही है पूरे देश में। ये बरेली का वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और देखें कि यहाँ पर कितने लड़के लिए जा रहे हैं। ये शायद अभी तीसरा राउंड होगा, जैसा कि मैंने इस वीडियो में देखा था। और ये अभी जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने लड़के लिए जा रहे हैं, 50 से 55 लड़के। वो भी जो लड़के रेस छोड़ चुके हैं और लास्ट में जो बचे हैं, केवल 50-55 लड़के ही बचे थे और वो सारे लिए गए हैं। और ऐसा ही जो है एक वीडियो लुधियाना का भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें भी जो है 35 से 40 लड़कों को लिया गया है। लेकिन उत्तराखंड में यहाँ के युवाओं के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, वो एक बड़ा सवाल है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, साथ ही आपको बताऊंगा कि इस भर्ती में आगे क्या होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये अभी जो है लास्ट चक्कर शुरू हो गया है। ये अभी जो आपने देखा वो तीसरा चक्कर था और लास्ट चक्कर शुरू हो गया है। तो इसमें आप देखते जाइए लास्ट तक कि कितने लड़के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि उत्तराखंड में अग्निवीर की भर्ती के लिए जो आवेदन किए गए थे इस बार, वो 1,08,000 से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। मगर देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस बार भर्ती में काफ़ी सारी गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं, अनियमितताएं हैं, जिसको लेकर सतपाल महाराज ने भी आवाज़ उठाई है और उन्होंने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी को इस बारे में अवगत कराया है कि उत्तराखंड में जो भर्ती चल रही है उसमें इस प्रकार की अनियमितताएँ क्यों हो रही हैं उत्तराखंड के युवाओं के साथ। जैसा कि इसमें कुछ मेन सवाल थे, जो तीन मुख्य सवाल हैं जो कि इस बार जो है ज़्यादा परेशानी पैदा कर रहे हैं। एक तो उत्तराखंड के युवाओं के लिए पहले जो हाइट रखी जाती थी वो 163 सेंटीमीटर हुआ करती थी, किंतु इस बार 170 सेंटीमीटर वालों को ही ले रहे हैं। दूसरा सवाल टाइमिंग को लेकर है। भर्ती का टाइम 5:40 का होता था, जो कि मेंशन भी किया गया है कि 5:40 तक, 5:40 तक का है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम यहां पर दिया जा रहा है, जबकि और जगह की भर्तियों में पूरा समय मिल रहा है। और तीसरा जो मेन सवाल है वो है कि केवल 7 से 8 लड़के या 10-12 लड़के लिए जा रहे हैं। तो लड़के क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, ये आगे आप। हमने एक एडमिट कार्ड क्या निकाल दिया तो लास्ट में एक बच्चे की कमर टूट गई सिर्फ दवा, ऐसा लट लेके दादा की, पता नहीं उन्हें क्या सोचते हैं। आर्मी की नौकरी कुछ नहीं होती, आर्मी की नौकरी 4 साल के लिए हम देश के लिए जवान बनना चाहते थे, हमें सैलरी से मतलब नहीं है भाई, सैलरी से मालूम होता ना, विदेशों में जाके काम करता 22 साल का युवा। आज बिपिन रावत की कमी सरासर महसूस होती है, मेरा नंबर 25वां 26वां था, मात्र 11 या 12 हो गई, कोई बात नहीं, टाइमिंग अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, जिसपे गुद्दा है वही निकलेगा उधर। हाँ, दम होना चाहिए, दम होना चाहिए, सब टाइमिंग सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं गिरा हूँ इसलिए बाहर हुआ, वो मेरी गलती है, पर कोई नहीं, जिसपे दम है वही निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। टाइमिंग टूमिंग लट तो वो मारेंगे जब सुन नहीं रहे कोई लट। जिनकी भर्ती सत्य सत्य, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज दे देना चाहूंगा, दम लगाओ, अगली बार भर्ती निकालना इसी ग्राउंड में, नाम प्रदेश नेता का आने का क्या मतलब था, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, आर्मी की सेंटर है कि नहीं है, फौज तो जाना नहीं है, जिसने पुलिस का पेपर निकाला होगा 4 साल रहेगी तो फौज बर्बाद है। बंदे पकड़ पकड़ के जा रहे हैं। हाँ भाई, सेंटर में कौन था, दुगड्डे का आकाश कौन है, गोरदार का फलाना कौन है, रुद्र प्रयाग का फलाना कौन है, पकड़ पकड़ के जा रहे हैं, पकड़ पकड़ के, रोजगार नहीं है मेरे भाई, हर कोई मजबूरी में ही आ रहा है ना, कोई मजबूरी है, मजबूरी में अगर हमारे पास रोजगार तो हम छोड़ना ही है, सिंपल सी बात है। ऊपर टाइमिंग जो 5:30 5:45 किए हुए 5:05 दे रहे हैं। मोदी रसोई के बारे में क्या बोलना चाहूँ, वो कोड़ी का खाना नहीं है भाई, आलू इधर चुप रहे, आलू इधर चुप रहे, भिंडी इधर चुप रही है, बड़े-बड़े आलू पड़े हैं, खाली नाम के लिए खोला है क्या? क्या चाहते हो आप 2024 में बीजेपी आनी चाहिए, नहीं ये अभी इस्तीफा दे दे, हम पप्पू दादा की बातों से हंस लेंगे, लेकिन हमें ये मोदी सरकार नहीं चाहिए, चाहे देश भेज दें, कोटद्वार तहसील से, और ये सभी लोग रनिंग में बाहर होके आए हैं। और दोस्तों, सबसे पहले पूछना चाहूंगा भाई से कि टाइमिंग कितनी दे रहे हैं वहाँ? 5:15 5:11 पर किसी को नहीं मिली टाइमिंग। और बंदे कितने ले रहे हैं ग्रुप में? 14-15-20 से ऊपर भाई, मान लो 14 अगर इशू चल रहा, 14-15 बस। हमारे 200 वालों को हाथ पकड़ पकड़ के, हाँ भाई लाइफ जोन वाला कौन है, लंगर में कौन था, सेंटर में कौन था ना,
फौजियों का लौंडा कौन है और क्या क्या हाल है भाई, मैं तो बोल रहा हूं कौन है सबको पकड़ के, अभी उनको दौड़ाया भी नहीं जाता। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा किस प्रकार उत्तराखंड के युवाओं में रोष व्याप्त है, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ लुधियाना भर्ती का स्क्रीनशॉट, ये आप यूट्यूब पर भी दे सकते हैं। और इस बैच में 34 लड़के लिए गए, 5:44 का टाइम मिला, और फतेहगढ़ जो कि बरेली में है और इसमें भी 5:35 का टाइम मिला। ये पूरा वीडियो आपने पहले भी अभी देखा है शुरू में, और इसमें 52 लड़के लिए गए हैं। और अभी जो है उत्तराखंड में जिस प्रकार की दिक्कतें अग्निवीर भर्ती को लेकर हैं उसके बारे में जो है काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अग्निवीर भर्ती का परीक्षण करवाएंगे, रक्षा राज्य मंत्री से बात हुई है। और आगे भी आप देखिए क्या कह रहे हैं, ये 15 या 20-25 बंदे तो निकाले रहते हैं, 2 या 2 से 3 बंदे निकाल रहे थे और मैं 17 या 18 निकाल रहे थे। टाइमिंग भी उन्होंने 15 या 16 के बीच दी थी और भर्ती तो सही थी, जिनकी तैयारी सही थी वो निकल गए। यहाँ पे अशोक भाई जो कि थोड़ा डिप्रेशन में लग रहे हैं भर्ती लेट होने की वजह से, घर से बहुत खर्चा कम बहुत लाए थे, कितने लाए थे अशोक भाई? 8,000 रुपये खर्चा लाया था भाई जी, 6,000 रुपये खर्चा हो चुका है, 2,000 रुपये बचे हैं। अब भर्ती अभी है नहीं, भर्ती का कोई पता नहीं है भाई साहब, 4-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। सही बात है, कैंप में यूथ फाउंड वहाँ पे ढंग से रगड़ा खाया है भाई। कल अगर नहीं होते तो घर वाले और लोग क्या बोलेंगे कि कैंप में रहा इतने टाइम? गांव वाले बोलेंगे पहले तो कहाँ था क्या था, मेहनत की का क्यों नहीं हुआ कैसे नहीं हुआ, अब उनको नहीं पता है यहाँ का माहौल क्या है। सही बात है दोस्तों, मतलब जैसे देश में दंग होता है ऐसा हो रखा है यहाँ, इसीलिए तो लड़कों ने वो दंगे किए हैं। सही बात है, मैं कुछ नहीं, मैं इतना बोलूंगा कि जो बीजेपी सरकार है इसको कभी सत्ता में मत आना इसके बाद जिंदगी में। सही बात है दोस्तों, आप भाई को देख सकते हो, मोदी ने बोला था अच्छे दिन आएंगे, कोई अच्छे दिन नहीं आएंगे, बुरे दिन आएंगे, रोने के दिन आएंगे, ऐसे हो ही रहा है भाई। आप अंधकार में है, बिल्कुल पूरा अंधकार है, कुछ नहीं होने वाला युवाओं के साथ, भाई ऐसे बेरोजगार घूमते रहेंगे। पुलिस की भर्ती आप देख रहे होंगे, जब आपने 1.63 हाइट लिख रखी है और 5:30 पे ग्रुप फर्स्ट लिखा है, 5:45 पे ग्रुप सेकंड लिखा है, आपको लगना चाहिए ना कि 5:30 का टाइम तो दो कम से कम है, इंसान है उतना तो करो। सही बात है, हमारे साथ सही बात है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो सभी युवा परेशान है यहाँ पर, इस बंदे का देखो इसने बाल बूल बना रखे, रो रहा है, इसकी याद आ रही है परिवार में कोई खत्म हो गया है, भर्ती होने आ रखा है, यहाँ से अगर उस कंडी अभी उस चिता को शायद आग कल ही दी या नहीं दी वो पता नहीं है, लेकिन बंदा अगर यहाँ से नहीं सक्सेसफुल होकर गया क्या मुंह दिखाएगा घर में, ना उस चिता को आग दे पाया, मतलब मुखाग्नि में था वो, ना उसमें उसमें कुछ सिर्फ बाल बनाएगी। अनुभव तो बहुत ही बेकार रहा। क्या कमी लगी आपको? कमी तो टाइम तो इनका बहुत कम है, पहले दूसरे बैच में बढ़िया टाइम दिया इन्होंने, बंदे भी लिए 24-25 तक लिए, हमने गिने खुद, हमारा तीसरा बैच था, पहले इनकी 30-30 की 10 लाइन बैठ रही थी ट्रैक पे, बाद में इनकी 15 लाइन आ गई, मैं गिनने वाला हूँ, मैं पीछे लगा था, मैंने गिरा बीच में, यहाँ पे सभी को पूछ लो, तीसरे बैच में मैं भी था, इनमें 15 लाइन लगाई इन्होंने भाई, 450 बंदे कहाँ दौड़ेंगे, बंदा ये सोच रहा है जैसे गो रहा है कि मैं खुद को बचाऊं, भागना तो दूर की बात, और मैं ये लगा लो कि कैंप में भी रगड़ा खा रखा, अकेडमी भी था, 458 वाला मैं हूँ भाई। जैसे लड़के कह रहे हैं कि हम अग्निवीर बनने आए हैं वायुवीर नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगा, इसको आप क्या कहेंगे? नहीं भाई जी, क्या कहना, दिमाग खराब हो गया, देखो आप चलो अगली बार और तैयारी करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों ये थे अग्निवीर भर्ती को लेकर उत्तराखंड के युवाओं के विचार, मिलते हैं एक नई वीडियो में।